मास्टर जी तो गया ना? हाँ जी सर। उसकी जगह दूसरा पिटबुल आया, इसकी क्या कहानी? सर ये छतरी से दो पेट डॉग्स किसी ने अबैंडन किए थे, तो एक मेल था एक फीमेल थी। फीमेल को एक इंजरी थी छोटी सी, जब हमें कॉल आई थी तो हमने उनको वही ट्रीटमेंट बता दी थी, लेकिन अगले जो इन्फॉर्मर्स थे हाँ हमें लगा ये उनका पेट है, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी ना हमें, बस वो उनका फोटो भेजा था। अच्छा। तो हमने पेट डॉग बोल के उनको, हमारे साथ ये अक्सर होता हाँ। है कि लोगों के पेट होते हैं और हमारे को गोली दे दी जाती है कि भाई रेस्क्यू है, होता है तो क्या करें, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता। लेकिन फिर नेक्स्ट डे वो ले ही आए ना सुबह सुबह, दोनों को नहीं, एक को और दूसरे का पूछा हमने तो उन्होंने बताया वो भाग गया था। इसकी जो कंडीशन थी वो एक दिन में इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पीछे का पूरा बैक वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। डॉक्टर हिमांशु कह रहे थे कि ये किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है। हाँ जी सर, अगर आइवरमेक्टिन भी डोज ज्यादा हो या गलत जगह पे लग जाए तो भी कई बार ऐसा पॉसिबल है। आइवरमेक्टिन के मसल में देते हैं या ये स्किन पे दिया जाता है आइवरमेक्टिन सब कट? हाँ जी। तो किसी ने मसल में दे दिया, पॉसिबल है कि बॉर डॉग मूव कर रहा हो या ज्यादा दे दिया हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऊपर से केमिकल पोर किया गया है जिसकी वजह से स्किन पूरी सी खराब हो गई ऊपर से। एक ब्लैक पपी आया हुआ है ना नगरोटा से, उसको लेकर आ गए थे डायरेक्टली वो लोग जो उसके केयर टेकर थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि इसको लात मारी थी और ये ऊपर से गिरा है। किसने मारी थी? साइड में रहते नेबरहुड ना, उन्होंने मारी। जो बाकी पपीज थे उनको रिलोकेट कर दिया, मदर को भी हार्म किया है, इस वाले को पीछे नर्व डैमेज हो गया है, पीछे का पैर वो पूरे कम्प्लीटली यूज नहीं कर पा रहा है, छोटा है, इस वजह से अभी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी तो फ्रैक्चर भी है इसको? हाँ फ्रैक्चर नहीं है, बस डैमेज है, नर्व डैमेज है। दिल्ली के पश्चिमी बिहार का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे एक आदमी एक लेडी को आयरन रॉड से पीट रहा है, क्योंकि भाई इनके कुत्ते ने उस पर भौंक दिया था, तो उसने कुत्ते को तो मारा ही मारा, जब इन्होंने बीच बचाव की कोशिश करी तो उन्होंने इनको भी मारना शुरू कर दिया। तो लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस वाले एनिमल केसेस में कुछ नहीं करते। देखिए जब उस आदमी ने उस लेडी पे हाथ उठाया तो ये एनिमल केस नहीं रहा, अब ये अटेम्प्टेड मर्डर और असॉल्ट का केस है, तो उसमें तो आप पुलिस थाने में जाइए और वो FIR करेंगे ही करेंगे, और अगर कोई उनका मामा चाचा ताया है जिसके अगेंस्ट वो FIR नहीं कर रहे तो आप किसी और थाने में जाके 0 FIR कराइए। आपने कहा जो नगरोटा से डायरेक्ट लेके आ गए, अब ये लेके विदिन टाइम आए थे? हाँ विदिन टाइम आए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे रखवाने ही लाए थे डायरेक्टली। आपने कहा कि तो अभी हम बाई चांस रख रहे हैं, मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, मैंने उनको नंबर दिया और उनकी उसकी मदर के लिए भी स्पेस सर्जरी के लिए बात कर ली, तो सारा कुछ सही तरीके से इन्फॉर्म कर दिया। आपको मैं पहले ही बता देती हूँ ना, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और पपी ये क्लिनिक है ना, ये हॉस्पिटल है, हम सिर्फ वून मैनेजमेंट का काम करते हैं, अगर और पपीज़ मेनली जब लॉन्ग स्टे होता है इनका तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि एक तो पता नहीं मुझे इसको मदर के पास रहा भी है कि नहीं, इम्यूनिटी कितनी क्या है, अगर आप फॉस्टर कर सकते हैं तो हम ट्रीटमेंट बता देंगे, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं इसके बच्चे के। मेरी अभी 19 की शादी है ना, तो कोई और मैं लग नहीं सकती थी, अगर हो सके तो वो जो डॉग है उसके आप स्पेस सर्जरी करवा दीजिए, उसकी मदर जो है। ओके हम लोग कर देंगे, लेकिन भैया कॉन्टैक्ट में रहिए है ना, हमारा जाना होगा तो हम पिक करके ले आएंगे, लेकिन स्पेस सर्जरी करा दीजिए अगर ये हालत हो रही है डॉग्स की। तो एक आपको उस दिन बारी बारी फोन आ रहा था ना कि भेजो भेजो भेजो, वो रेबीज वाला कोई हाँ, केस था? हाँ सर जी से कॉल था, और वहाँ पे एक डॉग है जिसने काफी ज्यादा लोगों को भी काटा है, 2-3 लोगों को काटा, बैलों को भी काट रहा था वो, रेबीज लग रहा है मुझे, एक दो लोगों को काटा भी है ना, लग तो हमें भी रहा है, जानवर को भी काटा है, तो इनको वैक्सीन कर देंगे ना जब इनको दिखता है। डॉग आसानी से पकड़ में भी आ गया क्योंकि गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, फिर हमने यहाँ के चेकअप किया डॉक्टर ने, फिर हम उसको यूथिनाइज कर दिया हमने। अच्छा है लोगों ने हमें इन्फॉर्म कर दिया भाई, उस डॉग को हमने पकड़ के एक तो उसको भी सफरिंग से उसकी मुक्ति दे दी, और वो नहीं तो और काटता किसी को, उसके चक्कर में वो भी पिटता और कुत्ते भी पिटते, पर इतनी अपेक्षा लोगों की सरकार से क्यों नहीं होती? मतलब हमें 5-5 फोन आ जाते हैं पर एक कॉल SDM ऑफिस क्यों नहीं जाती, एक कॉल DC ऑफिस क्यों नहीं जाती कि भाई एनिमल कंट्रोल के लिए आप कोई सिस्टम करिए। क्यों एक वो भी आया था डॉग है उसके पीछे वुंड है, वो मैगेट वुंड है? हाँ सर मैगेट वुंड है और काफी ज्यादा टाइम हो गया था, उसकी टेल कटी हुई है और बहुत ज्यादा बड़ा वुंड है। टेल कैसे कट गई उसकी? जब ये छोटा था तब इसको टेल के पास थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, अब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन भी ज़्यादा बढ़ गया था। और डॉग बहुत शाय टाइप का है, वो कभी कभी उस लेडी के घर में खाना खाने जाता था, हमारी पहले बात हो गई थी, इनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप खाना उसका अंदर रखना शुरू कर दो, फिर उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिया था उसको और हम जाके उसको लेकर आए। तो वो उसी लेडी के पास वो ठीक हो गए चले जाएगा, वहाँ लोकल का ही डॉग है तो वो
तो हमारे पास जगह की जैसे इतनी कमी हो रही है, हम उनको नहीं ट्रीटमेंट के लिए बता के? बहुत शाय डॉग है सर, यहाँ पे भी उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दिक्कत जाती है, तो हम स्प्रे कर देते हैं। शायद शर्माता है? नहीं, मतलब मोस्टली वो बाहर आना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, अपने बॉक्स में ही रहता, हाउस में ही। अगर ऑइंटमेंट भी लगानी हो तो बहुत हैंडल करके उसको ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है, थोड़ा सा नाराज गुस्सा सा करने लग जाता है वो। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ उसको वो तो ट्रीट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। एक कमेंट आ रहा था, दो तीन लोगों ने कहा था कि जो वो पैरेट था पिछली बार, वो बहुत छोटे पिंजरे में था। वो छोटे पिंजरे में इसलिए था क्योंकि वो सर वो उस वक्त ही था बस, जिस टाइम हम लोगों ने जब वो आया ना, जब आपने सुबह सुबह उसको रख के गए थे, क्योंकि उस टाइम और कोई केज आपको मिला नहीं होगा। फिर जब ट्रीटमेंट हुई उसके बाद हमने उसको बड़े केज में शिफ्ट कर दिया था। पर वो नहीं बचा? नहीं सर, वही स्ट्रेस में। हम हर बार जो भी कॉल आते हैं हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पास रखें, ट्रीटमेंट हम पूरी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं है बर्ड के लिए सेफ ना। वो स्ट्रेस में आके मोस्टली यही हुआ है कि हमारे पास कोई भी बर्ड ऐसे सरवाइव नहीं किया। उसका पेट खराब है ना, जिमी गन का? हाँ सर, ब्लोटिंग हो जा रही है बार बार। एक तो थोड़ी सी सीरियस इशू है, क्योंकि मुझे सब बताया था, मुझे तो कहता कि फनी है वो, लेट जाता है, तो मैं तो ये कहता कि भाई सबको चलना ज्यादा चाहिए, इससे ब्लोटिंग नहीं होती। शुरू से उसकी आदत रही है कि वो लेटे रहता था, कंफर्टेबल रहता था, लेकिन अभी क्या हो रही है ना, वीकनेस हो गई। हमने स्प्लिंट भी ओपन कर दिया ताकि उसका मोबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो पाए, लेकिन यहाँ पे कैलस ज्यादा फॉर्म हुआ, उसको उठने में तकलीफ आती है, तो वो मोस्टली लेटा रहता था। अब कंडीशन बिगड़ने लगी है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हम उसको आने के बाद तो 4-5 घंटा खड़े कर भी देते हैं, लेकिन वो आज तो खड़ा नहीं हुआ। तो हम उसका रिलीज करते हैं सर, कर रहे हैं रिलीज। तो फ्लूइड भी काफी चढ़ा था ना? हाँ सर, फ्लूइड चढ़ाया था हमने। इसका पेट ठीक है? हाँ, हम रोज चेक करते हैं, अभी ठीक है एकदम। और एक चटोरी गई थी एक्सरे के लिए, एक मूली गई थी चटोरी। हाँ का तो मुझे पता है, चटोरी जो हमारी फार्म पे ही लेटेस्ट रेस्क्यू है, जो फार्म पे रहती है, उसके जॉइंट में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो अब उसको बड़ा सा बैंडेज करके हमने उसको इमोबाइल कर रखा है। एक ऐसी स्प्रिंग वाली लीश है जिससे बांध रखा है, 15 दिन में आई थिंक वो ठीक हो जाएगी। हाँ, हमें उसकी टैबलेट्स और वो भी चल रही है, सिरप्स भी चल रही है। मूली का क्या है? उसके पीछे वाले दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, एक पैर में फीमर फ्रैक्चर है और एक पैर में वो फीमर का हेड जो होता है वहाँ पर फ्रैक्चर है। तो उसके लिए आज मैंने फिर से उसको पालमपुर भेजा है, क्योंकि ये जो हेड वाला फ्रैक्चर है उसको हमको नहीं आता वो मैनेज करने के लिए, तो वहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे कि इसका कुछ सर्जरी हो सकता है या नहीं। सेम स्पॉट वाला सीन है, स्पॉट का भी पॉ फ्रैक्चर था और फीमर फ्रैक्चर था, तो फीमर सर्जिकली हटा था, उस पर प्लस्टर चढ़ा था। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ था। हाँ। पर वही है, जब एनिमल्स घर पे होते हैं तो उनके रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्लिनिक में हम चाहे जितने अच्छे लोग हैं ज्योति में हम सब, पर हम वो इंडिविजुअल अटेंशन एनिमल्स को नहीं दे सकते जो घर पे मिलती है। प्लस यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे हम जितनी मर्जी साफ सफाई रख लें। हो गया अब ये काम, तो तू चढ़ सकता है मेरे पे है? इसका एटीट्यूड वैभव जैसा ही है। सॉरी यार, ओ माय गॉड। हम लोग अभी रेस्क्यूज तो लिए जा रहे हैं ना कंटिन्यूसली, लगभग आज 5 हो रहे हैं और रोज़ हम लोग कम से कम 2 रेस्क्यूज लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी जगह का दिक्कत है ही, बट वो ये ना कि कंडीशन इनके इतनी खराब है। आई नो, जो वो काव सेंचुरी वाली जगह है, हमने 50 पिलर कर दिए ऑर्डर, पर चक्कर बस यही है कि जब धूपें होती हैं एक दो तभी गड्ढे होते हैं, वो लगा के चेन लिंक लगा के हम एटलीस्ट ये कर देंगे कि टेम्परेरी जो आपके ये घोड़े खच्चर हैं वो चले जाएंगे, ताकि ये जो गाय बैल की जगह रोक रहे हैं वो आ जाए। आपको जो रेस्क्यू कॉल आती है ना और लोग कहते हैं आप कुछ करते नहीं हो, आप उन लोगों को कहो ना कि भाई आप आओ वॉलंटियर करो और हमारे साथ जगह बनवाओ। नहीं, फेयर इनफ। एक और ब्लैक पपी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, पर वो फार्म पे मुझे नहीं सर, वो एक्चुअली हमें जिस तरीके से फोन में बताया गया था कि मैम उसके पीछे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ऊपर से चढ़ के निकल गई है, आप तुरंत आओ तुरंत आओ, बार बार कॉल आ रही थी हमें, बहुत सारी कॉल आई, लेकिन जब हम वहाँ गए तो पता चला कि सिर्फ लेमनेस है, दर्द था और पेन केयर लगाया, उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर हम आ गए, हमने उनको ये भी बोल दिया था कि आगे कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर देना। पर आया नहीं ना? नहीं, लेकिन जिस तरीके से बताते हैं ना उस, अदरवाइज मैं स्कूटी में भेज देती ताकि जल्दी पहुँच जाए, लेकिन मुझे बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, चल नहीं रहा है। अपडेट्स तो इसके अलावा बहुत है। सॉरी, अभी मैं एक डॉग को रेस्क्यू करके लाया हूँ, बट और एक के लिए जाना है, तो मुझे वेन्यू से पूछना इनकमिंग कैसे लेना है। ओके, तो एक सेकेंड, दो रेस्क्यूज जो अमन शूट कर रहा है इनके बारे में हम आपको कल बताएंगे, इसके अलावा मास्टर जी का अपडेट देंगे। स्कूटी है, गंगोत्री है, इंस्पेक्टर विजय है, मूली है, बटरफ्लाई है, ये सारे अपडेट्स हम आपको देंगे कल।
ये हम कट नहीं कर रहे हाँ बहुत सारे नाम है ना, और इतने बार हो गया कंफ्यूज हो गई मैं।